बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की गुटबाजी के अंदाजे तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन अब कुछ कुछ बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की गुटबाजी सामने आने लगी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की, जहां एक और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कद्दावर नेता इमरान मसूद, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की जान माने जाने वाले नरेश गौतम की जो चाले चली जा रही हैं, उनसे सूत्रों की अगर माने तो कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। नरेश गौतम वे इमरान मसूद मिलकर बहुजन समाज पार्टी के एससी वे मुस्लिम सभी नेताओं को नज़रअंदाज कर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो सकती है। हाँ, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप तो खूब लगते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों पहले नरेश गौतम वे सहारनपुर की रामपुर नगर पंचायत से बसपा के नगर अध्यक्ष करम सिंह की एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें नरेश गौतम और करम सिंह बातचीत कर रहे हैं। वहीं नरेश गौतम के द्वारा अनिल अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी में से लाकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया गया था, और तभी से बसपा प्रभारी नरेश गौतम द्वारा सहारनपुर की रामपुर मनियारान नगर पंचायत सीट से अनिल अग्रवाल को बसपा का नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अधिसूचना जारी होते ही पासा पूरी तरह से पलट गया है। रामपुर मनियारान सीट एससी के लिए आरक्षित होते ही अनिल अग्रवाल ने पाला बदल दिया है। हाँ, हम बात बता रहे हैं आपको, नरेश गौतम के करीबी कहलाए जाने वाले अनिल अग्रवाल ने रामपुर नगर पंचायत सीट को एससी के लिए आरक्षित होते देख जहां बहुजन समाज पार्टी ने बसपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बालियान की पत्नी को अपना नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं दूसरी ओर नरेश गौतम के करीबी कहलाने वाले अनिल अग्रवाल बहुजन समाज पार्टी को बाय बाय कह गए हैं और वो सीधा भाजपा में शामिल हो गए हैं। अनिल अग्रवाल के भाजपा में जाते ही नरेश गौतम पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी के सभी एससी नेता नरेश गौतम के इस फैसले को आज पूरी तरह से गलत बता रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि नरेश गौतम के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उससे पार्टी कमजोर होती है। सूत्रों की अगर माने तो एससी वे मुस्लिम बसपा के सभी नेता ये भी कह रहे हैं कि पहले तो नरेश गौतम ही थे, लेकिन अब इमरान मसूद हो आ गए हैं, अब दोनों मिलकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है। हालांकि बसपा का कोई भी नेता ऑन कैमरा आकर मीडिया के सामने इस बात को कहने से हिचकिचा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो नरेश गौतम और इमरान मसूद से सभी बसपा के एससी व मुस्लिम नेता खपा हैं, और उनका कहना और मानना यही है कि नरेश गौतम और इमरान मसूद मिलकर जो फैसले ले रहे हैं उससे बहुजन समाज पार्टी को भारी सियासी नुकसान हो सकता है।